मोटर को दिखाइए। देखिए ये डीसी कंपाउंड मोटर है, ये डीसी कंपाउंड मोटर है, तो इसका 6 टर्मिनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मोटर से निकला हुआ है, जिसमें से 6 को हमको टेस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेस्ट क्लैंप लेते हैं और टेस्ट क्लैंप लेके इसके हम टर्मिनल्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइट जल रहा है, अरे देखो ना, ये यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए बल्ब का लाइट, देखिए अब देखिए यहाँ देखिए बल्ब का लाइट, और यहाँ देखिए ये स्पार्क हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा लाइट देगा, बल्ब का लाइट जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, आर्मेचर होगा, क्योंकि आर्मेचर में क्या होता है कि सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ये इससे सीरीज फील्ड से और शंट फील्ड की अपेक्षा आर्मेचर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इसीलिए इसका लाइट बल्ब का सबसे ज़्यादा देगा। अब देखिए ये आपका ये सीरीज फील्ड है, तो सीरीज फील्ड में क्या होता है कि मोटा तार होता है, ये सीरीज फील्ड में मोटा तार कम टर्न होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा, जिसके कारण बल्ब का लाइट ज़्यादा होगा। अब देखिए ये दोनों टर्मिनल में शो करते हैं, तो ये दोनों स्पार्क देता है, तो स्पार्क देने का कारण है कि ये दोनों टर्मिनल जो है, ये दो जो टर्मिनल है इसमें क्या है कि ये जो कॉयल है, इस कॉयल में आपका पतला तार होगा, ज़्यादा टर्न्स होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए ये क्या होता है, स्पार्क देता है। तो अब इसमें फाइंड आउट हो गया कि ये दोनों आर्मेचर का दोनों टर्मिनल है, ये बीच वाला जो दोनों है ये, और ये सीरीज फील्ड का टर्मिनल है, और ये दोनों शंट फील्ड का टर्मिनल है, ठीक है। तो ये पूरा मोटर डीसी कंपाउंड मोटर का, देखिए ये डीसी कंपाउंड मोटर इसलिए कहलाती है, ये डीसी कंपाउंड मोटर इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें आर्मेचर का दो टर्मिनल है, ये सीरीज फील्ड का दो टर्मिनल है, और ये दो शंट फील्ड का टर्मिनल है। तो अब जब हम ये टर्मिनल को हम फाइंड आउट कर लिए कि ये शंट फील्ड का टर्मिनल है, बीच वाला सीरीज फील्ड का टर्मिनल है, और ये दोनों आर्मेचर का टर्मिनल है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है LN A1 A2 F1 और F2, तो यानी हम क्या करेंगे, F1 और F2 में कनेक्शन देंगे ये फील्ड का, और A1 A2 में हम क्या करेंगे, आर्मेचर का देंगे, और ये L और N, मतलब L मतलब एक पॉजिटिव और एक N नेगेटिव, ये हम इसका जैसे कनेक्शन डायग्राम हम बताएं उसके अनुसार कनेक्शन करेंगे, तो ये डीसी कंपाउंड मोटर चलेगा।